दोस्तों मई का महीना जा चुका है जैसे कि आपको पता, और मई के महीने में हमें काफी सारे स्मार्टफोन देखने को मिले। वैसे हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि मई से भी ज्यादा फोन हमें जून में देखने को मिलेंगे। जून में भी काफी सारे अच्छे अच्छे आपको स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ऐसे स्मार्टफोन जो आपको जून के महीने में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि जून के महीने में कौन से स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं, तो बने रहिए मेरी इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तविक चैक चैनल पे। जी हाँ फ्रेंड्स, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ऐसे स्मार्टफोन जो आपको जून के महीने में देखने को मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पे अपने पहले फोन की बात करूँ जो आपका आएगा रेडमी का K20, और इंडिया में आपको हो सकता है ये पोको F2 के नाम से देखने को मिले। ये कन्फर्म है आपको ये जून के महीने में देखने को मिलेगा। इस फोन में आपको क्वालकॉम का 855 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कैमरे की बात करूँ तो इसमें आपको पॉपअप कैमरा देखने को मिल जाएगा। और ये बताया जा रहा है कि आपके जून के लास्ट में लॉन्च हो जाएगा इंडिया में, तो वही 25 से लेकर के 30 जून के अंदर अंदर आपको ये इंडिया में देखने को मिल जाएगा। और इसकी अगर मैं प्राइस बताऊं तो एक्सेप्टेड प्राइस है इसकी 25 से 26 हजार रुपए में अगर ये फोन आ जाता है इंडिया में, तो क्या आप इस फोन को लेना चाहोगे, बताइएगा जरूर मुझे कमेंट में। जून के महीने में आपको ऑनर की तरफ से भी फोन देखने को मिल जाएंगे, ऑनर का 20 प्रो और 20 लाइट। ऑनर के 20 में आपको क्रीम का 980 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ऑनर के लाइट वर्जन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 710 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा। अगर ऑनर अपने बजट स्टेटमेंट में ये फोन इंडिया में लॉन्च करता है तो ये फोन चलने वाले नहीं, अदरवाइज मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। वैसे इसकी प्राइस क्लियर नहीं है, लेकिन एक्सेप्टेशंस अगर इसकी लॉन्च डेट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ये 20 से 25 जून के अंदर अंदर देखने को मिल जाएगा। वैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आपको इसकी प्राइस क्या लगती है? अगर आप जो भी गेस कर पा रहे हैं मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि Redmi के मैंने पहले ही बता दिया है, काफी सारे फोन आपको जून के महीने में फिर से देखने को मिल जाएंगे। और Redmi का एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन फिर से लॉन्च होने जा रहा है जिसका नाम है Redmi का 7A। वैसे आपको पता है Redmi का 5A आया था, 6A आया था, और अब ये 7A आ रहा है। वैसे मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि Redmi का 6A जो आया था काफी ज्यादा हिट गया था, तो उसी का सक्सेसर बनकर के आएगा ये Redmi का 7A। अब देखना ये है कि ये कितना चल पाता है। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे अगर ये फोन आपको 5 या 6 हजार रुपए के आसपास देखने को मिलता है तो ये फोन मार्केट में टिकने वाला है, अदरवाइज नहीं टिकने वाला है। लॉन्च ये आपको 15 जून को देखने को मिल जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, 15 जून को आपको ये फोन इंडिया में देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है इस फोन के बारे में मुझे जल्द से कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके घंटी को बजा डालिए। एक ऐसा फोन जिसका काफी टाइम से सारे लोग वेट कर रहे हैं, जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ रियलमी एक्स के बारे में। काफी कमाल फोन है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया में आएगा तो इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन चेंज हो गई है। ये इंडिया में आपको क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन के साथ 710 प्रोसेसर के साथ आएगा और बाकी चीजें सेम देखने को मिल जाएगी। इसकी जो प्राइस की बात करूं यहाँ पे तो माधव सेठ ने क्लियर कर दिया था कि इसकी जो प्राइस है वो 18,000 रुपए होने वाली है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आएगा, पॉपअप कैमरा के साथ आएगा, और ये लॉन्च अगर डेट की बात करूं तो यहाँ पे आपको 28 जून को ये इंडिया में देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है इस रियलमी एक्स के बारे में मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे ये फोन अच्छे प्राइस में आ रहा है तो मेरे हिसाब से ये मार्केट में काफी तहलका मचाने वाला है। वैसे दोस्तों हमने दो वीडियो बनाई है कि अंडर 10,000 रुपीज में कौन से स्मार्टफोन है जो आपके लिए अच्छे हैं, और एक और वीडियो बनाई है हमने कि अंडर 7,000 में कौन से स्मार्टफोन है जो आपके लिए अच्छे हैं। दोनों ही वीडियो का लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आपको आई बटन पे भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने ऐसे कौन से स्मार्टफोन रखे हैं तो जाकर एक बार उस वीडियो को जरूर से देख लीजिए। जी हां फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले फोन की तरफ जो आपका आता है सैमसंग का। जी हां फ्रेंड्स, सैमसंग का एम सीरीज वाला एक और नया स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, सैमसंग का M40। M10 आ गया था, M20 आ गया था, M30 आ गया था, और तीनों ही काफी ज्यादा कमाल के फोन थे। अब देखना ये कि सैमसंग का M40 कितना ज्यादा कमाल करता है। वैसे जो इसकी प्राइस है वो मैं आपको
आपको बता दूं इसकी जो प्राइस है थोड़ा सा एग्रेसिव होने वाली है, इसकी प्राइस वो 30,000 या 35,000 रुपए के आसपास होने वाली है। जैसे सैमसंग का M30 आया था वो 16,000 रुपए की प्राइस में सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आया था, काफी ज्यादा अच्छा फोन था। इस फोन में भी आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, 3 कैमरे आपको बैक में देखने को मिलेंगे। देखना ये है कि सैमसंग क्या कुछ खास लेकर के आता है, ये तो जब इसे आएगा मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों जून के महीने में आपको ओप्पो का फाइंड जेड फोन देखने को मिलने वाला है, काफी ज्यादा तंगड़ा फोन बोला जा रहा है। इस फोन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आपको हीलियो का P90 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, पहली बार किसी फोन में आपको हीलियो का P90 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। प्राइस के बारे में कोई क्लियर नहीं हुआ है, लॉन्च डेट ये बताई जा रही है कि 25 जून से लेकर के 30 जून के महीने में देखने को मिलेगा, तो काफी ज्यादा कमाल फोन होने वाला है। वैसे मेरे एक बात समझ नहीं आती कि जितने भी स्मार्टफोन होते हैं वो मंथ के लास्ट वीक में क्यों होते हैं, अगर आपको बताए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मुझे भी पता चल सके कि सारे स्मार्टफोन मंथ के लास्ट में क्यों लॉन्च होते हैं। दोस्तों ये ऐसा फोन जिसका लोग बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं, जी हां फ्रेंड्स मैं बात कर रहा हूँ Asus का Zenfone 6। सबसे अच्छी बात ये है कि इस फोन में आपको जो कैमरा है वो सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा, पीछे वाला, आप पीछे भी फोटो क्लिक कर पाएंगे और आगे भी फोटो क्लिक कर पाएंगे। और आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, बाकी चीजें सारी सेम है। देखना ये है कि ये कितनी प्राइस में लॉन्च किया जाता है। अगर मैं अपनी प्राइस के हिसाब से बताऊं तो ये फोन जो आपका है Asus का थोड़ा सा महंगा फोन है, थोड़ा सा फ्लैगशिप फोन है, इसकी जो प्राइस है वो 30,000 या 35,000 रुपए के आसपास होने वाली है। लॉन्च डेट की बात करूं यहाँ पे तो आपको 15 जून से लेकर के 20 जून के मिड में आपको ये देखने को मिल जाएगा। देखते हैं क्या कुछ खास लेकर के आएगा ये Asus का Zenfone 6, ये तो जब भी इंडिया में लॉन्च होगा पता चल जाएगा। दोस्तों हमारी लिस्ट का ये आखिरी फोन, जी हाँ फ्रेंड्स मैं बात कर रहा हूँ Lenovo का Z6 Pro। इस फोन में काफी ज्यादा कुछ देखने को मिल जाता है। सबसे पहले मैं इसकी डिस्प्ले की बात करूं तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर के साथ आएगा। और अगर मैं इसमें कैमरे की बात करूं तो इसमें आपको 4 कैमरे बैक में देखने को मिल जाएंगे, 48 मेगापिक्सल का, 16 मेगापिक्सल का, 5 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का। सेल्फीज में आपको 32 मेगापिक्सल देखने को मिल जाएगी, तो मतलब ये फोन काफी ज्यादा तगड़ा फोन है। अगर मैं यहाँ पे इसकी प्राइस और लॉन्च डेट की बात करूं तो 25 जून को आपको ये इंडिया में देखने को मिल जाएगा और इसकी जो प्राइस है वो 30,000 से 35,000 रुपए होने वाली है। वैसे 30,000 से 35,000 रुपए की प्राइस में ये Lenovo का Z6 Pro फोन लॉन्च होता है, तो ये काफी सारे फोन को कंपटीशन देने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बता। दोस्तों ये थे फोन जो आपको जून के महीने में देखने को मिलने वाले हैं। वैसे मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ज्यादातर मोस्टली फोन में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी और सारे फोन में 3 कैमरे तो कंपलसरी है। बाकी आपको इन सारी लिस्ट में से कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा फोन लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप किस फोन के लिए वेट कर रहे हैं। बस यार आज वीडियो के लिए बस नहीं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर से दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। मैं मिलता हूं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।